हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे प्रीमियम बायोलॉजी वीडियो लेक्चर को परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए www.gangwarinstitute.com पे जाके आप रजिस्टर करेंगे। पहले रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इन वीडियो लेक्चर को आप परचेस कर सकते हैं। इन वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 के सभी 38 चैप्टर्स को और उनके टॉपिक को कवर किया गया है। करीब 100 घंटे में इन सभी टॉपिक को आप रिवाइज कर सकते हैं और अपने नीट 2020 में बेहतर परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और आज यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि फिजिक्स के कौन से टॉपिक हैं जिनका वेटेज आपके नीट में ज़्यादा है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले आप उन टॉपिक को कवर करेंगे और फिर कम वेटेज वाले टॉपिक को आप कवर करेंगे। फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं नीट में, तो इसके पूरे सिलेबस को हम 6 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम तीन उन हिस्सों की बात करेंगे जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है दैट इज मकैनिक्स। मकैनिक्स की अगर हम बात करें तो इसका वेटेज आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। करीब 30% जो क्वेश्चन है नीट में फिजिक्स में वो मकैनिक्स से पूछे जाते हैं। दूसरा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेट को शामिल करते हैं। यहाँ से करीब 25% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा जो पार्ट है हमारे पास दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स और साथ में इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐड कर लेते हैं जिसमें रेडियो एक्टिविटी और बाकी चीज़ें आ जाती है। ये करीब 15% सिलेबस को कवर करता है। तो अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये जो तीन पोर्शन यहाँ पर हैं इनमें 30+25 55 और +15 यानी ये हो गया करीब 70% सिलेबस। अगर आप इसको क्वेश्चन के नंबर में कैलकुलेट करें तो 30% का मतलब ये हुआ कि करीब 13 क्वेश्चन, 25% का मतलब हुआ करीब 10 क्वेश्चन और 15% मतलब 7 क्वेश्चन के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर टोटल नंबर है ये हो जाएगा 30, यानी 45 क्वेश्चन जो नीट में फिजिक्स के पूछे जाते हैं उनमें से 30 क्वेश्चन इन तीन टॉपिक से कवर होते हैं। इन तीन टॉपिक से 30 क्वेश्चन आते हैं और बाकी जो तीन टॉपिक बच रहे हैं उनके मैं बात आपको बताता हूँ। बाकी जो तीन टॉपिक हमारे पास हैं उसमें आपका हो जाएगा हीट, दूसरा है एसएचएम एंड वेव और जो तीसरा टॉपिक यहाँ पर है दैट इज ऑप्टिक्स, जहाँ पर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों आते हैं। तो इन तीन की अगर हम बात करें तो इन तीनों को मिला के 30% क्वेश्चन आते हैं। 30% का मतलब आप ये कह सकते हैं कि करीब 13-14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे आते हैं। तो आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि कौन से टॉपिक आपको पहले कवर करने हैं और कौन से टॉपिक आपको बाद में कवर करने हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप इस बात पे थोड़ा सा फोकस करिए कि कौन सी यूनिट ऐसी जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और कौन सी यूनिट ऐसी जहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तब तो उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि कौन से तीन टॉपिक आपको पहले कवर करने हैं। मैकेनिक्स आपको पहले करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पहले करनी है, मॉडर्न आपको पहले करना है। और अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर ज़्यादातर बच्चों को काफ़ी डर लगता है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप नीट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि अब कट ऑफ चूंकि ज़्यादा जा रहा है इसलिए अब आप ऐसा नहीं कि 20 क्वेश्चन कर लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको कम से कम 30-35 क्वेश्चन करने पड़ेंगे नीट में सिलेक्शन के लिए। तो उसके लिए जरूरी की एक स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए, कौन से टॉपिक आप पहले कवर करेंगे जिससे आप बेहतर तरीके से एग्जाम में कर पाएं, ये मैंने आपको बताया। कोई भी क्वेरी आपकी है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। और इसी तरह की एनालिसिस मैंने बायोलॉजी के लिए पहले अपलोड की है, केमिस्ट्री के लिए भी इसी तरह की एनालिसिस हम आगे करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।